हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ पूजा लिंबानी फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल कामरेज, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट ईवीएस, यूनिट 16, गेम्स वी प्ले। यहाँ पे मैंने आपको पूरी वर्कशीट दी है, उसके साथ आंसर भी दिए। तो आपको पहले आंसर लिखने हैं खुद से, बाद में आंसर के साथ टैली करना है। ओके, तो हम यहाँ से वर्कशीट एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन वन, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम गेम्स, पुट देम इन द करेक्ट बॉक्स। तो यहाँ पे आपको गेम्स के नेम दिए गए हैं, कितने सारे हैं। तो आपको पहले इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, तो पहले आपको ये गेम्स के नेम है तो उसमें से आपको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट है इंडोर गेम्स, तो हम सिलेक्ट करेंगे जो इंडोर गेम्स है वो। तो फर्स्ट है कैरम बोर्ड, सेकंड है चेस, लूडो, स्नेक एंड लेडर्स, सांप सीढ़ी। ओके, तो यहाँ पे इंडोर गेम्स है कैरम बोर्ड, चेस, लूडो, स्नेक एंड लेडर्स। ओके, और सेकंड है आउटडोर्स, आउटडोर गेम, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है ये गेम्स के नेम है और आउटडोर गेम्स कौन कौन सी है और इंडोर गेम्स कौन कौन सी है। ओके, और नाम लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले, गेम खेलने में कितने प्लेयर्स की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कैरम, तो कैरम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 4 प्लेयर्स। ओके, ट्विन टू साइड। ओके, 4 प्लेयर्स और कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत होगी, कैरम बोर्ड और कीज। ओके, लूडो, लूडो में भी 4 प्लेयर्स, लूडो बोर्ड चाहिएगा हमें और उसके बटन चाहिएगे, चाहे हम वो बटन के साथ खेलेंगे लूडो बोर्ड के अंदर। ओके, स्नेक एंड लेडर्स, उसमें भी 4 प्लेयर्स होंगे और स्नेक एंड लेडर्स बोर्ड होगा और उसकी टाइल्स होगी। चेस, चेस में भी 2 प्लेयर्स होते, चेस में 2 प्लेयर्स होते हैं और चेस बोर्ड होता है और चेस कीज होती है। क्वेश्चन थर्ड, नेम द गेम्स एसोसिएटेड विद दिस थिंग, यहाँ पे थोड़ी कुछ हमें चीज़ें दी गई है तो कौन से गेम से वो, किस गेम में वो आती है, वो चीज़ें कौन से गेम में आती है तो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये है बैट, तो कौन से गेम में आएगी, क्रिकेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट। यहाँ पे टेबल टेनिस, ओके, यहाँ पे लिखेंगे टेबल टेनिस, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रैकेट है या बैडमिंटन, बैडमिंटन। ओके, यहाँ पे हॉकी स्टिक है यानी हॉकी, कैरम बोर्ड है, ओके, तो यहाँ पे लिखेगी कैरम बोर्ड, यहाँ पे लूडो बोर्ड है तो यहाँ पे लिखेगी लूडो। ओके, तो ये तो आपको आएगा ही। क्वेश्चन 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। व्हाट आर इंडोर गेम्स, व्हाट आर इंडोर गेम्स, तो इंडोर गेम्स क्या है, तो द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड अ बिल्डिंग आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। जो गेम्स हम बिल्डिंग के अंदर खेलते हैं यानी घर में या बिल्डिंग कोई भी इमारत के अंदर खेली जाती है उस गेम को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। लाइक एज हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो लूडो, चेस, स्नेक एंड लेडर्स आर सम पॉपुलर बोर्ड गेम्स। ओके, एंड सेकेंड है नेम एनी टू इंडोर गेम्स, यहाँ पे मैंने लिया है चेस एंड कैरम बोर्ड, आप दूसरे भी दो ले सकते हैं। ओके, व्हाट आर आउटडोर गेम्स,
आउटडोर गेम्स क्या है? तो द गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड अ बिल्डिंग इन ओपन स्पेस सच एज अ फील्ड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। तो ये आउटडोर किसकी सीखते हैं? तो जो बिल्डिंग के बाहर प्ले आउटसाइड अ बिल्डिंग, ओके, वी प्ले आउटसाइड जो इमारत के बाहर खेली जाती है, घर से बाहर खेली जाती है, इन ओपन स्पेस यानी खुली जगह पे, सच एज अ फील्ड, जैसा कि मैदान हो उसमें हम खेलते हैं, तो वो कौन सी गेम होती है? आउटडोर गेम्स। नेम एनी टू आउटडोर गेम्स, तो यहाँ पे मैंने क्रिकेट और हॉकी लिया है, आप दूसरा भी दो, कोई और भी ले सकते हो। कलर द पिक्चर ऑफ गेम्स दैट यू लाइक टू प्ले, जो भी इन तीन गेम में से आपको जो भी पसंद है गेम, उसके ऊपर आप कलर करके नाम लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।